अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीसीटीवी व्यूज़ और इस फुटेज में आप इस शख्स को देखिए, बाइक में तकरीबन 10 लाख रुपए कैश बैंक से लेकर आ रहा होता है और जैसे ही अपने घर के पास पहुंचता है, पीछे से बाइक दो बाइक पे तीन लड़के आते हैं और देख सकते हैं आप, पीछे वाले बंदा उतरा है और एक बाइक से अलग बंदा उतरा है। ये दोनों के हाथ में सामान है, दोनों ने कैप लगाया हुआ है, मास्क एक ने लगाया हुआ है और एक हेलमेट वाला बंदा जो होता है वो बाइक से कैश निकालता है और उसके बाद उस बंदे की जेब से कैश निकालता है। तीन बंदे मिलकर किस तरह से इसको लूट रहे होते हैं। सामने बैठे बच्चे देख रहे हैं, ये बंदा देख रहा है, सब आसपास के लोग देख रहे हैं इसे लूटते हुए। बाद में शख्स आता है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो काफी देर कर देता है। उसके हाथ में भी सामान होता है, उसका मुकाबला करने के लिए इसके पीछे भी जाता है, लेकिन ये लोग बासानी फरार हो चुके होते हैं। आप देख सकते हैं अभी एक शख्स इसके ऊपर पत्थर भी चलाएगा, लेकिन क्या कर सकता है, पत्थर से काम नहीं चलता है। देखिए पत्थर इसने चलाया है, उसके हाथ में सामान है, वो सामान दिखाता है। जैसे ही सब लोग पीछे हो जाते हैं और सब देखे, बच्चे वगैरह सब कोई आके देख रहे होते हैं कि भाई ये लूट कर चलेगा। अभी वो शख्स आता है जिसके हाथ में सामान होता है, वो अगर पहले आ जाता तो इस तरह की वारदात से बच जाता है और इसका मुकाबला कर लेता वो शख्स, लेकिन उसने आने में काफी देर कर दी। अभी आप देख सकेंगे थोड़ी देर में साइड गली से ये देखिए बंदा आया, इसके हाथ में सामान है और ये अगर थोड़ी देर पहले आता तो इन डाकुओं का मुकाबला करता, लेकिन ये आने में काफी लेट कर दिया। फिर भी इस बंदे ने कोशिश की है बाइक में बैठकर इसके पीछे जाने की, लेकिन वो लोग तब तक फरार हो चुके हैं। आपको बताते चलूं, ये कराची का इलाका डालमिया है और ये रमजान नामी शख्स है जिससे 10 लाख रुपए कैश तकरीबन लेकर फरार हो चुके हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप लोग भी बैंक से रकम निकालवा कर लाते हैं तो होशियार रहें, इस वीडियो को शेयर करें। जजाकअल्लाह।